स्टूडेंट, मैं सिर्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रेटरी सिस्टम। आज भी हम लोग बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में, और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है। काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म होता क्या है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। आपको मैंने इस नेफ्रॉन के द्वारा आपको अभी तक बताया है कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और किस किस पार्ट से ये आगे की ओर बढ़ता है। इसमें कुछ करंट मैकेनिज्म भी होते हैं, जैसे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये वो करंट वाला बात नहीं हो रहा है जो कि इलेक्ट्रिक करंट लगता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। इसके अंदर करंट मैकेनिज्म दूसरे तरीके से शो होता है। ये आपका जो ये पार्ट दिख रहा है, ये एक करंट मैकेनिज्म है। मीन्स यहाँ से ये पार्ट नीचे की ओर आ रहा है, फिर ये असेंडिंग की तरफ जा रहा है, यही इसका करंट मैकेनिज्म होता है। अभी हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था एफरेंट आर्टेरियोल से इम्प्योर ब्लड इंटर करता है और चला जाता है, जो ये आपको बाउमेन कैप्सूल दिख रहा है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। इस ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं। ये कैपिलरीज क्या करते हैं, उस ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, और प्योरीफाई करने के बाद से ये एफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सेंड कर देते हैं। अब उसके बाद से जो इम्प्योरिटीज यहाँ पे बची है वो चली आती है कहाँ पे, आप देखेंगे पीसीटी के अंदर, मतलब कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, और यहाँ से नीचे की ओर आता जाएगा ये। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये वासा रेक्टा है, यानी कि ये सब के सब कैपिलरीज हैं। ये क्या करते हैं, ये जैसे जैसे इम्प्योरिटीज आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे ये इनको प्योर करना शुरू कर देगा, आगे बढ़ेगा प्योर करेगा, आगे बढ़ेगा प्योर करके ये इस पार्ट के एफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा उसको बाहर बार बार भेजता रहता है, मतलब कि बॉडी पार्ट्स में। अब यहाँ से मैंने आपको बताया, यहाँ से नीचे तक का पार्ट जो होता है ये हेनले लूप होता है, यह लूप ऑफ हेनले होता है। अब इसके बाद से आप देखेंगे ये जो नीचे की तरफ पार्ट है ये डिसेंडिंग वाला था, यहाँ से अब ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हैं ये असेंडिंग वाला पार्ट है। अब असेंडिंग ऑफ लूप आप देखेंगे इधर की तरफ, ये होता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स, और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल्स में से फिर से आ जाता है कहाँ पे, इसका रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद से ये आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए फिर से यहाँ से जो यूरिया बनता है बच्चों, क्या बनता है, यूरिया। ये यूरिया अगेन फिर से इंटर करता है कहाँ पे, इस हेनले लूप में, अगेन हेनले लूप में जाता है, फिर से यहाँ से इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर से ये आगे जाएगा, आगे फिर से यहाँ पे फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट होने के बाद से फिर आगे की ओर जाएगा। ये बार बार होता रहता है, मतलब कि मान के चलिए 99.9% तक जो इम्प्योरिटीज होती हैं ब्लड के अंदर वो पूरी तरह से इसमें से रिमूव हो जाती हैं, और उसको हम यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल लेते हैं बॉडी के, ठीक है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है, जो कि ओपन होता है जाके कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर, या उससे पहले आप देखेंगे तो यूरेटर एंड देन यूरिनरी ब्लैडर में ये जाके इंटर होता है। अब आइए हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझें। सबसे पहले क्या होता है, ध्यान समझिएगा, मैं सेम वही प्रोसेस से यहाँ भी आपको बता रहा हूँ। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ से ब्लड इंटर करेगा, यहाँ पे इसका प्योरिफिकेशन होता है, और ये चला जाता है आगे की तरफ, मीन्स एफरेंट से होते हुए बॉडी के डिफरेंट पार्ट में चला जाता है। अब इस ग्लोमेरुलस में जो इम्प्योरिटीज थी वो चली जाती है यहाँ पे। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 300 ऑस्मोलैरिटी का प्रेशर एक पड़ता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो ये नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक आप देखेंगे ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे कॉर्टेक्स, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं मेड्यूला। अब मेड्यूला में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक इनर मेड्यूला और एक आउटर मेड्यूला, ठीक है। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे इस तरह से नेफ्रॉन्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स, मींस जो नेफ्रॉन का पार्ट्स ज्यादा ऊपर पाया जाता है इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन यानी कॉर्टेक्स नेफ्रॉन कहेंगे। और याद रखिएगा जो नीचे की तरफ मींस मेड्यूला वाले फेज में पूरी तरह से पाया जाता है, अंदर की तरफ धंसा रहता है, उसको कहा जाता है मेडुलरी नेफ्रॉन या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन इस तरह से देखेंगे तो दो तरह का होता है। देखिए अब यहां पर समझेंगे,
यूरिन जो है इस नेफ्रॉन से आगे की ओर जब आता है, मीन्स जो इम्प्योरिटीज है वो जब आगे की तरफ आता है, तो 300 जो ऑस्मोलरिटी होता है पर लीटर के साथ साथ ये नीचे की तरफ आता है, 300 से नीचे की तरफ आएगा तो इसके अंदर वाटर की डिफिशियंसी होने लगती है। याद रखिएगा यहाँ से वाटर क्या होता है, रिमूव होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। जब वाटर रिमूव होने लगेगा बच्चों, तो इसके अंदर वाटर की डिफिशियंसी हो जाती है और इसका कंसंट्रेशन जो है, इसका जो कंसंट्रेशन है ये बढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे बढ़ने लगेगा वाटर की डिफिशियंसी होगी और बढ़ने लगेगा, 600 होगा, यानी कि इसके अंदर इसके कंसंट्रेशन इसका बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन इसका घटेगा बढ़ेगा, और यहाँ देखेंगे फिर से वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा है और भी कंसंट्रेशन यहाँ पे लो हो गया। धीरे धीरे देख सकते हैं आप लोग कंसंट्रेशन यहाँ तक लो हो जाता है, और जैसे ही बच्चों कंसंट्रेशन लो होता है, आपको मैं बता दूँ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना हमारे ब्रेन में, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट होता है वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ADH, ठीक है ना, ADH मीन्स एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन क्या करता है, इसके अंदर जो ये कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है यूरिन का, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन ना हो जाए, उसको रेगुलेट करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड ADH मीन्स एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन को रिलीज करता है। ये क्या करता है, जैसे ही आता है तो अब यहाँ के जो कंसंट्रेशन जो बढ़ा था, अंदर का कंसंट्रेशन जो बढ़ा था फिल्ट्रेट का, उसके कंसंट्रेशन को लो कर देता है। लो करने के बाद से आप यहाँ से देखेंगे तो ये आगे की ओर जा रहा है, 600 फिर 400 फिर धीरे धीरे आप देख रहे हैं इस ट्यूब के अंदर, मीन्स असेंडिंग लिम में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर धीरे 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 फिर से ये कम हो जाता है, मतलब कि नॉर्मल होने लगता है, ठीक है। मीन्स आप देखेंगे यहाँ से किस चीज़ का सिक्रेशन हो रहा है, NaCl, ये सब असेंडिंग में NaCl का सिक्रेशन होता है, ऊपर जाएगा यहाँ भी NaCl और ऊपर जाएगा तो यहाँ से देखेंगे H2O जो है ये बाहर निकलने लगता है। एक बात और याद रखिएगा बच्चों, जिस टाइम ये नेफ्रॉन का जो ट्यूब है नीचे की तरफ अपने पूरे कंसंट्रेशन को बढ़ाते हुए नीचे की तरफ आता है, ठीक उसी टाइम सेम वासा रेक्टा को आप देखेंगे, ये क्या है, ये वासा रेक्टा है मेंस, जिसको कैपिलरीज आप कह रहे थे, वासा रेक्टा यानी कैपिलरीज, ये जो है ये अगर ये नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो यहां से ये क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है, समझ में आ गया। ये जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब यहां से आप देखेंगे जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, धीरे धीरे लो होता है, तब उस कंडीशन में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है एंड NaCl H2O को एब्जॉर्ब करता है और इसको प्योर करने के बाद से आगे की ओर ये बढ़ा देता है। तो देखो बच्चों, यहां से ये इस पार्ट से मीन्स ये डिसेंडिंग लिम पर आया, डिसेंडिंग लिम से यहां से देखेंगे तो असेंडिंग में गया, यहाँ से इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है, और इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे घट रहा है। तो ये जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और घट रहा है ये प्रेशर के साथ हो रहा है, समझ में आ रहा है, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा ADH एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, मीन्स यहाँ से ये जब नीचे की तरफ आ रहा है तो ये क्या है, ऊपर की तरफ उसी टाइम इसको लेके जा रहा है ब्लड को प्योर करते करते। अब जैसे जैसे आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका कंसंट्रेशन लो हो रहा है, वैसे ये नीचे की तरफ अब लेके आएगा, इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे देखेंगे हाई हो रहा है। तो एक बार हाई हो रहा है एंड लो हो रहा है, इस कंसंट्रेशन के बढ़ने और घटने का प्रोसेस में आप देख रहे हैं ये बिलो एंड ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इस प्रकार से इस प्रोसेस को हम लोग काउंटर करेंट मैकेनिज्म कह सकते हैं। काउंटर करेंट मैकेनिज्म समझ में आ गया। आप देखेंगे यहां से जब ये 300 था, मीन्स ये नॉर्मल कंसंट्रेशन है, ठीक है, अब ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की तरफ जैसे जैसे ये बढ़ेगा इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, क्यों इसलिए क्योंकि यहां से H2O है ये बाहर की तरफ रिमूव हो रहा है, ठीक है, ये बाहर की तरफ रिमूव हो रहा है और ये धीरे 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 नीचे की तरफ आ रहा है, इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसको कंट्रोल करने के लिए एंटीरियर पार्ट का, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट होता है, वो एंटी डायुरेटिक हार्मोन को रिलीज करता है, जिसके वजह से ये क्या होता है,
पूरी तरह से ये कंसंट्रेशन इसका धीरे 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 नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब नॉर्मल होने के बाद से ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं यही होता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म। अब ये यहाँ से आगे बढ़ने के बाद से H2O को रिमूव करेगा, फिर आगे चलाता है कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद से क्या होता है, यहाँ से आपको पता है कि ये जो H2O है यहाँ से भी इसका क्या होता है, H2O भी सिक्रेट होता है बाहर की तरफ, और यूरिया यहाँ पे जो बना है ये भी बाहर सिक्रेट होता है। अब यूरिया बाहर सिक्रेट होने के बाद से ये अगेन यूरिया का एब्जॉर्प्शन करता है, कौन लूप ऑफ जो हेनले आप देख रहे हैं, ये जो असेंडिंग पार्ट देख रहे हैं ये इसको यूरिया को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद से फिर ऊपर की तरफ भेजता है, फिर इसका प्यूरिफिकेशन होगा, प्यूरिफिकेशन होने के बाद से फिर कलेक्टिंग डक्ट में आता है, फिर नीचे की तरफ आता है, मतलब ये बार बार चलता रहता है। और इस तरह से देखेंगे तो जो हमारा ब्लड है पूरी तरह से फिल्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, ये पूरा जो प्रोसेस अभी आप जो देखें ये प्रोसेस यही होता है काउंटर करेंट मैकेनिज्म। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी मैमल्स होते हैं, इंसान को छोड़ के जितने भी मैमल्स होते हैं, इंसान को भी ले सकते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं वो कंसंट्रेटेड यूरिन को ही बाहर निकालते हैं, यानी कि गाढ़े मूत्र को ये बाहर निकालते हैं। दूसरी बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट होता है, कहाँ पे ये सब प्रोसेस हो रहा है, मीन्स काउंटर करेंट मैकेनिज्म कहाँ पे हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये लूप ऑफ हेनले में ही सबसे ज्यादा होता है। मीन्स लूप ऑफ हेनले इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर काउंटर करेंट, यानी काउंटर करंट के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो आपको याद रहना चाहिए लूप ऑफ हेनले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद से देखेंगे NaCl ट्रांसफर बाय असेंडिंग लिंब एंड देन वासा रेक्टा। मीन्स जो आप NaCl देख रहे हैं, NaCl का मतलब ये हो गया, ये क्या हो रहा है, NaCl ट्रांसपोर्ट हो रहा है, देखिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, कहां से कहां, तो आप देखेंगे असेंडिंग लिंब में हो रहा है, और उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे वासा रेक्टा का ये पार्ट, तो ये देखिए वासा रेक्टा का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, यहाँ भी NaCl का पूरी तरह से क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ट्रांसपोर्ट होता है। जस्ट उसके पास से आप देखेंगे सम यूरिया एब्जॉर्ब बाई हेनले लूप, कुछ यूरिया क्या होता है यहाँ से देख सकते हैं हेनले लूप के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, विच इज थिन मेम्ब्रेनस, यानी कि ये जो पार्ट देख रहे हैं ना ये पार्ट, ये बहुत ही पतला होता है, और ये जो यूरिया यहाँ से निकल के आ रहा है वो इसमें आके एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट आप देखे हैं, अब इसके बाद से हम लोग अब दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो आप देखिए अब हम लोग बात करेंगे टॉपिक मिक्ट्रेशन यानी मूत्रण के बारे में। मूत्रण क्या होता है हम लोग इसको पूरा डिटेल से एक एक करके समझते चलेंगे अब। ठीक है, पहला है टॉपिक हमारा मिक्ट्रेशन यानी कि मूत्रण, दूसरा है डायूरेसिस, तीसरा है ऑस्मोरेगुलेशन, और उसके बाद से आ जाएगा डिसऑर्डर ऑफ किडनी, यानी कि किडनी के कौन कौन डिसऑर्डर होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जैसे पहला है रीनल फेल्योर, किडनी ट्रांसप्लांटेशन एंड रीनल कैलकुली, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों मिक्ट्रेशन के बारे में, मिक्ट्रेशन यानी मूत्रण होता क्या है। मिक्ट्रेशन का मतलब होता है मूत्रण, ये होता क्या है, यूरिन डिस्चार्ज। यूरिन डिस्चार्ज का मतलब होता है यूरिन को बाहर निकालना, यानी मूत्र को बाहर निकालना ही ये मिक्ट्रेशन यानी कि मूत्रण कहलाता है। अब कैसे, तो एक बार सभी लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा आप लोग जानते हैं कि किडनी होता है, एक पेयर यानी एक जोड़ी किडनी पाया जाता है, और इस किडनी के अंदर आपको पता है कि पूरी तरह से ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, पता है सबको ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। अब ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद से जो इम्प्योरिटीज होती है, यानी कि जो इम्प्योर ब्लड होता है, और जो उसमें से इम्प्योरिटीज यानी जो बेकार के वेस्ट होते हैं, जो यूरिन होता है, वो छन के आके यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। क्या होने लगता है, यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है, और इकट्ठा होने के बाद ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जब पूरी तरह से यूरिन स्टोर हो जाता है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, तो क्या होता है, यहां से हमारे सीएनएस के पास एक मैसेज जाता है। ठीक है ना, सीएनएस के पास मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास एक मैसेज जाता है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है ये पूरी तरह से भर चुका है, अब इसको हम बाहर निकालना चाहते हैं। तो क्या होता है,
अब जो CNS है ये तुरंत क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एक क्रामनोकंचन की गति देता है, कंस्ट्रिक्शन देता है, जिसके दबाव से इसके प्रेशर से ये जो यूरिन है ये बाहर की तरफ जो यूरेथ्रा है इससे हम लोग क्या करते हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो मूत्र का बाहर निकालने का जो प्रोसेस है जो प्रक्रिया है इसी को कहा जाता है मूत्रण यानी कि म्यूक्रेशन। म्यूक्रेशन समझ में आ गया, म्यूक्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किडनी पूरी तरह से ब्लड को प्योर करने के बाद से ब्लड को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेज देता है और जो उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं वो इम्प्योरिटीज तुरंत इस यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरेटर से होते हुए इस यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। जैसे ही बच्चों स्टोर होता है वैसे ही इसके अंदर जब जैसे ही स्टोर होता है यूरिन यानी मूत्र वैसे ही ये तुरंत मैसेज भेजता है किसको, CNS को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस मैसेज के प्रति काम करता है यानी कि वो तुरंत क्या करता है इसके अंदर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर जो आपको देख रहे हैं ये क्या करता है उसको ये उसमें एक दबाव पैदा करता है, एक कंस्ट्रिक्शन पैदा करता है जिसके वजह से क्या होता है यूरिन यहाँ पे यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है। आपको मैं बता दूं बच्चों कि पर डे एक हेल्दी जो ह्यूमन होता है एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो 1.5 लीटर से लेके 2 लीटर तक जो इम्प्योर मतलब इम्प्योरिटीज है यानी यूरिन है उसको ये बाहर निकालता है। अगर वो नॉर्मली पानी पीता है तो यानी 5 से 6 लीटर पर डे अगर पानी पीता है नॉर्मली तब उसके शरीर से 1.5 से 2 लीटर पानी सॉरी 1.5 से 2 लीटर जो यूरिन होता है वो बाहर निकलता है, मतलब कि ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है। एक और बात, जब हम लोग यूरिन को बाहर निकालते हैं तो उसका कलर कैसा होता है तो याद रखिएगा लाइट येलो कलर का होता है, हल्के पीले रंग का होता है और ये कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा होता है, ठीक है ना। उसके बाद से आप देखेंगे अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो उसको डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है ना। इसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, जब कोई भी पर्सन यूरिन को बाहर निकालता है मूत्र को बाहर निकालता है तो कुछ समय के बाद से उसकी यूरिन के बाहर बाहर छोटी छोटी चींटियां आके लगने लगती है जिससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज उस मूत्र में आ चुका है यानी कि चीनी की मात्रा बढ़ जाती है जिसके वजह से उसको डायबिटीज मेलाइटस डिजीज हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, शुगर रोग हो जाता है। इस नाम को आप बहुत बार सुने होंगे। चलिए ये था बच्चों म्यूक्रेशन यानी कि यूरिन डिस्चार्ज जो हम लोग करते हैं इसको म्यूक्रेशन कहा जाता है। अब आइए हम लोग सेकेंड नंबर समझते हैं डाययूरेसिस यानी मूत्रलता, ठीक है। तो डाययूरेसिस क्या होता है इसको भी ध्यान समझिएगा। डाययूरेसिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं हाई अमाउंट में यानी कि मोर अमाउंट में ज्यादा से ज्यादा यूरिन को क्या करते हैं बाहर निकालने लगते हैं यानी कि बहुत ही ज्यादा यूरिन को हम लोग क्या करते हैं बाहर डिस्चार्ज करना शुरू कर देते हैं। ये किसके वजह से होता है तो आपको मैं बता दूं, जो लोग ज्यादा कॉफी पीते हैं जिसके अंदर कैफीन होता है या जो लोग चीनी वाले मटेरियल को ज्यादा खाते हैं ग्लूकोज जो लेते हैं उनके अंदर ये होता है, बार बार क्या होता है उनको यूरिन को बाहर निकालना पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा यूरिन बाहर इसमें निकलता है और इसमें बहुत ही सारा प्यास भी लगता है, इसमें बहुत तेजी के साथ प्यास भी लगता है, समझ में आ गया। तो मूत्रलता एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें रोगी को बहुत ही प्यास लगता है और साथ ही साथ उसका यूरिन बहुत ही ज्यादा निकलता है, किसके वजह से होता है तो कॉफी यानी जिसके अंदर कैफीन होता है और ग्लूकोज की वजह से ये होता है, ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ जाती है तब ये ऐसा होता है कंडीशन, इसे कहते हैं डाययूरेसिस यानी मूत्रलता। अब उसके बाद से आता है बच्चों तीसरा नंबर ऑस्मोरेगुलेशन। अब ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है आइए इसको भी समझते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन एक ऐसा प्रक्रिया होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है हमारा बॉडी जो है मेंटेन बना रहता है। बॉडी मेंटेन बनने का मतलब यह हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है और उसके बाद से जो उसके अंदर फ्लूइड है जो वाटर है उन दोनों को क्या करता है ये मेंटेन बनाए रखता है जिसके वजह से हमारा बॉडी भी मेंटेन रहता है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए इनर सेल फ्लूइड यानी हमारे बॉडी के सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, आउटर सेल फ्लूइड यानी जो हमारे बॉडी के बाहर जो सेल फ्लूइड होता है ये क्या करता है दोनों मिलके बॉडी को मेंटेन बनाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, समझिएगा ध्यान से, पानी की कमी हो जाएगी तो कंसंट्रेटेड पूरी तरह से कंसंट्रेटेड यूरिन बाहर निकलने लगता है। जब पूरी तरह से कंसंट्रेटेड यूरिन बाहर निकलने लगेगा
तो हमारा बॉडी जो है मेंटेन हो जाता है। और या अगर बहुत ज्यादा हम पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो यूरिन हो है वो भी बाहर निकलने लगता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। मींस दोनों कंडीशन में ये हमारे बॉडी को मेंटेन बनाता है। तो बॉडी को मेंटेन बनाने के प्रोसेस को ही ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। तो ये हो गया आपका तीन टॉपिक, ठीक है, तीन टॉपिक छोटा छोटा है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद से आता है डिसऑर्डर ऑफ किडनी, यानी कि किडनी के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डिसऑर्डर में समझेंगे रिनल फेल्योर, ठीक है। रिनल फेल्योर होने का बहुत सारा रीजन होता है, हो सकता है। रिनल फेल्योर होने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर वेस्टेज खाता है, या मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं जो शराब पीते हैं या बेकार के मटेरियल को खाते हैं, वो क्या होता है ब्लड के थ्रू आने लगता है किडनी में, और किडनी में आने के बाद से इस किडनी को डैमेज करना ये शुरू कर देता है। जब किडनी डैमेज हो जाएगा पूरी तरह से तो आपका किडनी क्या होता है, फेल हो जाता है, ठीक है ना। जब किडनी आपका खराब हो जाएगा उस कंडीशन में आपको क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है, जिसको हम लोग हीमोडायलिसिस के नाम से भी जानते हैं। अब आइए हीमोडायलिसिस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हीमोडायलिसिस क्या होता है। ये आप जो देख रहे हैं ये डायग्राम, ये हीमोडायलिसिस का है। अब देखिए इसमें कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। ये देख रहे हैं ये एक पेशेंट है जिसका जो किडनी है ये खराब हो चुका है, यानी कि बेकार हो चुका है। हो सकता है कि ये बहुत ही ज्यादा शराब पी रहा होगा इसलिए इसका किडनी क्या है, खराब हो चुका है। क्योंकि इसके किडनी के अंदर जो एल्कोहल का प्यूरिफिकेशन होता है, एल्कोहल वो जब ब्लड के साथ मिलता है तो जाने के बाद से जो किडनी है उसको बेकार करने लगता है, उसको भ्रष्ट करने लगता है, तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से किडनी क्या होता है, फेल हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन में क्या किया जाता है, यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पे एक सेलफोन मेम्ब्रेन को लगाया गया है। ये डायलाइजर है, ये मेन डायलाइजर है, और ये आपको वेन दिख रहा होगा, ये आर्टरी दिख रहा होगा, यहाँ पे डायलासेट है, ये फ्रेश डायलासेट है। अब आइए समझते हैं सबसे पहले क्या होता है। अब देखिए ये एक इंसान है, ठीक है ना, चलिए मान लेते हैं ये एक हंसता हुआ एक इंसान है, ठीक है। अब इस इंसान के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे ये जो इसके बॉडी के पार्ट्स है, आपको पता है कि बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है इसी का प्यूरिफिकेशन होता है, तो इससे यूरिन जो बनता है वो हम शरीर से बाहर निकालते हैं। और अगर किडनी ही खराब हो गया तो फिर यूरिन को बनाएगा कौन, मतलब कि ब्लड को छानेगा कौन, ब्लड को कौन प्योर करेगा, उसके लिए क्या किया जाता है, हीमोडायलिसिस किया जाता है। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें इंसान के बॉडी से, मनुष्य के शरीर से, ध्यान समझिएगा, मनुष्य के शरीर से आप देखेंगे ये पाइप को ऐसे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। मनुष्य के शरीर से आर्टरी वाले पार्ट से इसको जोड़ दिया जाएगा, वेन वाले पार्ट से इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा। अब आर्टरी वाले पार्ट से क्या किया जाता है, इसके शरीर के अंदर से जो ब्लड है उस आर्टरी वाले पार्ट से इसके अंदर लिया जाता है, और ध्यान दीजिएगा ये खून जो है जम ना जाए, यानी क्लॉट ना हो जाए, इसमें क्या किया जाता है, एक हिपेरिन जो एक तरह का पदार्थ होता है, हिपेरिन एक एंजाइम होता है, उसको इंजेक्शन के माध्यम से, आप देख सकते हैं इंजेक्शन के माध्यम से उसको इस ब्लड के अंदर, यानी कि जो आर्टरी से ब्लड आ रहा है उसके अंदर डाल दिया जाता है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के बाहर ब्लड जो होता है तुरंत क्लॉट हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ब्लड का क्लॉट क्यों नहीं होता है, ड्यू टू दिस हिपेरिन, हिपेरिन हमारे शरीर के अंदर होता है इसलिए ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। अब उस हिपेरिन को अगर मान लीजिए ब्लड बाहर आ रहा है तो यहाँ पे क्लॉट हो सकता है, जम भी सकता है, इसके लिए ये जमे नहीं, इसके लिए क्या किया जाता है, बाहर से हिपेरिन को मिला दिया जाता है। जैसे ही बाहर से हिपेरिन को मिलाया जाएगा तो ये जो ब्लड आपका आ रहा है आर्टरी से होते हुए ये क्लॉट नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्लॉट नहीं होगा तो ये आगे की ओर बढ़ेगा, मीन्स ये अभी क्लॉट नहीं होगा, अब आगे की ओर बढ़ते बढ़ते चला आता है कहाँ पे, डायलाइजर में, और डायलाइजर में आने के बाद से आपको पता होना चाहिए जो प्योर ब्लड है वो आ जाता है यहाँ पे। पहले तो ये समझेंगे जितने भी यहाँ पे ब्लड हैं, ठीक है, इसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज हैं, समझिएगा ध्यान से, जो भी इम्प्यूरिटीज होती हैं वह इम्प्योरिटीज आप देख सकते हैं वो आ जाता है किसमें, आपका फ्रेश डायलाइसेट में, ठीक है ना, और सेलफोन मेम्ब्रेन में आ जाता है, और आने के बाद से यहाँ पे ये जो बेकार का वेस्टेज होता है वो सब यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। देखिए ब्लैक कलर से इसको बनाया गया है, ये वेस्टेज पूरी तरह से यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। अब कलेक्ट होने के बाद से आप देखेंगे इस रास्ते से होते हुए या के इसके अंदर वेस्टेज
भरने लगेगा। और याद रखिएगा जो प्योर है, यानी कि अब जो ब्लड यहाँ पर जो दिख रहा है वो प्योर हो चुका है, वो प्योर होने के बाद से उसको भेज दिया जाएगा, याद रखिएगा, वेन वाले पार्ट से भेज दिया जाता है। अब जब वेन वाले पार्ट को आप देखेंगे तो ये वो वेन वाला जो पार्ट है वो लेके आके फिर उसी रास्ते में अब वेन के मीडियम से बॉडी के अंदर भेज देता है, यानी प्योर ब्लड अब इस बॉडी के अंदर चला जाता है। इस तरह से आप देखेंगे तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी हो गया और इसको प्योर ब्लड भी मिल गया और इम्प्योरिटीज इसके बॉडी से बाहर निकल के इस मेम्ब्रेन में आ गई, मींस ये डायलासेट में आ गया और इस डायलासेट से हम क्या करते हैं उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। मतलब कि इसको अपने किडनी से प्योर या इम्प्योर ब्लड को या यूरिन को बाहर नहीं निकालना पड़ा है, ये क्या हुआ है डायरेक्ट इसके बॉडी के बाहर ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। इम्प्योर ब्लड आता है, ठीक है ना, जो इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं वो छनती हैं, छनने के बाद से वो वेन के थ्रू बॉडी के अंदर ब्लड चला जाता है, प्योर ब्लड इस बॉडी के अंदर चला गया और इस प्रकार से देखेंगे ये जो इंसान है ये बचा रहता है ऐसे ही। लेकिन एक और चीज, जिसका हीमोडायलिसिस होता है वो इंसान ज़्यादा देर तक उठ के चल नहीं पाता है, घूम नहीं पाता है, वो अक्सर देखा जाएगा तो वो सोया रहेगा एक स्थान पे, क्योंकि उसके बॉडी से सारे के सारे ये जो आर्टरी एंड वेन के जो पाइप होते हैं ये एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। एक बार और समझ लीजिए, ये इंसान का अगर मान लीजिए दोनों किडनी फेल है तो इसमें दो पाइप लगाया जाता है हीमोडायलिसिस करने के लिए। तो हीमोडायलिसिस में ये जो आप देख रहे हैं आर्टरी वाला पार्ट है, आर्टरी वाले से पार्ट से यहाँ पे ब्लड जाएगा ऊपर की ओर, इसमें हम हेपरिन को ऐड कर देते हैं ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। अब इसके बाद से ये क्या होता है, ये आ जाता है डायलाइजर में, और डायलाइजर में आने के बाद से क्या होता है आप देख सकते हैं, जैसे ही डायलाइजर में आता है बच्चों, यहां से जो ये ब्लड आपको दिख रहा है ये जाने लगता है कहां पे, यहां पे देख सकते हैं, ये तुरंत जाने लगता है सेलफोन मेम्ब्रेन में, और सेलफोन मेम्ब्रेन में आने के बाद से जितने भी इंप्योरिटीज होती हैं यहां से छन के वो आ जाती हैं कहां पे, डायलासेट में, ठीक है ना। और यहां से जो है ये फ्रेश डायलासेट आता है और यहां से इंप्योरिटीज यहां पे छन के ये पूरी तरह से इसके अंदर आ जाती है, इंप्योरिटीज को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। अब जो यहाँ पे आप प्योर ब्लड अब जो बचा हुआ है छनने के बाद से वो चलाता है वेन में, और वेन के बाद से वो चलाएगा यहाँ से धीरे धीरे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चला जाएगा। इस प्रकार से इसका ब्लड का प्योरिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चों रीनल फेल्योर। अब अगर ये भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है तो बच्चों क्या किया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। याद रखिएगा किडनी ट्रांसप्लांटेशन, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों, किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक इंसान का किडनी निकाल के किसी दूसरे इंसान में लगाया जाता है। जैसे कि मान लो यार यहाँ पे इस इंसान का जो किडनी है वो पूरी तरह से क्या है, हेल्दी है, ठीक है ना, ये हेल्दी किडनी है। अब धीरे धीरे किसी रीजन के वजह से इसका जो किडनी है ये डैमेज हुआ, अब डैमेज होने के बाद से ये भी क्या हो गया, डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद से या तो हीमोडायलिसिस किया जाएगा, अगर हीमोडायलिसिस मान लीजिए उससे नहीं ठीक हो रहा है तो इसमें क्या किया जाएगा, अब इसका किसी, अब इससे मतलब रिलेशन के ही कोई पर्सन हो उसका ब्लड ग्रुप भी मिलता हो, समझ में आ रहा है ना, और उसका किडनी लेके अब इसके अंदर डाल दिया जाएगा। मतलब कि एक स्वस्थ इंसान का किडनी लेके एक अस्वस्थ इंसान के अंदर डाल दिया जाता है ताकि ये इसकी लाइफ बच सके। याद रखिएगा अगर एक किडनी खराब है और एक किडनी सही है तो एक किडनी को निकाल दिया जाए, अगर खराब किडनी को, तो एक किडनी से इसका पूरा का पूरा लाइफ इजीली चल सकता है, आराम से चल सकता है, ठीक है। अब देखिए मान लो कि ये इसका किडनी जो है ये दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, खराब हो चुके हैं। अब दोनों के दोनों अगर खराब हो गए हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक और कोई इंसान है, मान लीजिए कोई इंसान है। अब इस इंसान का किडनी दोनों सही है, हम चाहते हैं कि इसका किडनी निकाल के इसके अंदर लगा दिया जाए, एक इसके अंदर है एक इसके अंदर है, तो इन दोनों किडनी को क्या किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये तो बेकार हो चुका है ना, बॉडी के अंदर रहेगा तो और भी दिक्कत करेगा। अब इसका एक किडनी निकाल के इसके किडनी में यहाँ पे इस पार्ट पे फिट कर दिया जाएगा, तो फिट तो हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए फिट होने के बाद से आपको पता होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट के सेल्स होते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे ब्लड वाला तो ब्लड वाले वीडियो में जाके देखेंगे, उसमें मैंने लिम्फोसाइट के बारे में अच्छे से बताया है, टी और बी लिम्फोसाइट के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में टी और बी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि WBC के एक टाइप होती हैं। ये टी और बी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं
हमेशा हमारे शरीर में घूमती रहती हैं पूरे शरीर के अंदर, और ये सोल्जर सेल का काम करती हैं। सोल्जर सेल का मतलब होता है सिपाही कोशिका का काम करती हैं। और ये क्या करती हैं, अगर बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या फंगस आ गया, यानी कि कोई भी पैथोजन अगर हमारे बॉडी से अटैच हो गया, टी लिम्फोसाइट को तुरंत पता चल जाता है कि कोई ना कोई आया हुआ है। तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट क्या करता है, आके इससे अटैच हो जाता है। अब अटैच होने के बाद से इसको समझने लगता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है हमारे बॉडी में, ठीक है। अगर ये हमारे लिए डेंजरस है, खतरनाक है, तो ये क्या करता है, तुरंत मैसेज भेज देता है बी लिम्फोसाइट के पास कि जल्दी से आप क्या कीजिए, एंटीबॉडी तैयार कीजिए ताकि इनको मारा जा सके, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। अब बी लिम्फोसाइट क्या करता है, तुरंत एंटीबॉडी तैयार करता है। एंटीबॉडी तैयार करने के बाद से अब ये टी लिम्फोसाइट को तुरंत कहता है अब आप हट जाइए, मेरे पास एंटीबॉडी बन चुका है। अब ये इनको क्या करता है, किल कर देता है। अब लाइफ टाइम में कभी भी ये दोबारा अगर डिजीज आस पास भी अगर मंडराते हैं तो इसको तुरंत पता चल जाता है ये तो वही डिजीज है जिसको मैंने किल किया था। तो जैसे यहाँ पर अभी आया, आते समय ही खत्म हो जाएगा, मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब डिजीज आया कब खत्म हो गया, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर बी लिम्फोसाइट उसको किल कर देता है। अब देखो, अगर मान लो हमने किडनी, अगर यहाँ पर हमारा किडनी है, तो ये टी और बी लिम्फोसाइट के जो सेल्स होता है ना, ये हमारे ही किडनी को ही पहचानते हैं, दूसरे किडनी को नहीं पहचान पाते हैं। तो होता क्या है, मान लो किसी दूसरे इंसान का किडनी मैंने लगा दिया, तो लगाने के बाद से ये टी लिम्फोसाइट को पता ये चलेगा कि कोई बीमारी आया है हमारे शरीर में, ये आ जाता है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट यहाँ पे इस किडनी के पास जो न्यू किडनी आया है इसको समझने लगता है। समझने के बाद से क्या करता है, बी लिम्फोसाइट के पास मैसेज देता है कि भैया जल्दी से आप एंटीबॉडी बनाइए, ये एक खतरनाक कोई बीमारी आया है, समझ में आ रहा है ना। तो क्या होता है, बी लिम्फोसाइट तुरंत इसका एंटीबॉडी बनाता है, ये कहता है कि बन गया एंटीबॉडी, हम मैं आ रहा हूँ। तो ये आता है और इस किडनी को क्या करता है, फेल कर देता है। इस तरह से ये भी किडनी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, समझ में आ रहा है। यानी कि एक स्वस्थ इंसान का किडनी अगर लगाया गया है वो भी फेल हो जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए टी और बी लिम्फोसाइट की कोशिकाओं को कुछ इंजेक्शन के द्वारा उस पार्ट के लिए इनएक्टिव बना दिया जाता है ताकि वो उस किडनी को फेल ना कर पाए। बाकी सारे पार्ट के लिए एक्टिवेट रहता है, लेकिन उस किडनी वाले स्थान से वो केवल इनएक्टिव हो जाता है। इस प्रकार से इस इंसान की जान भी बच जाती है अगर किडनी दूसरे का है तो, अगर इतना काम किया गया तो, समझ में आ गया। अब देखिए, ये आपने समझ लिया किडनी फेल्योर अगर हो गया, किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी हो गया, ठीक है। अब आता है रिनल कैलकुली। रिनल कैलकुली क्या है, रिनल कैलकुली का मतलब होता है पथरी। पथरी क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, रिनल कैलकुली यानी पथरी का मतलब होता है, पथरी का मतलब ये नहीं हुआ कि बाहर से जो वेस्ट मटेरियल हम लोग लिए, जैसे कि मान लीजिए पत्थर खा लिए, मान लीजिए बाहर का जो है गर्दा खा लिए, पत्थर खा लिए या लकड़ी खा गए तो हमारे अंदर पथरी बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें होता क्या है, आप बाहर से जो ऑयली मटेरियल होते हैं उनको आप खाते हैं, उनको खाने के बाद से वो धीरे 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 हमारे ब्लड से जाके मिल जाते हैं, और ब्लड में मिलने के बाद से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है, और वो जब किडनी में आता है तो धीरे 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 इस किडनी के पास आके स्टोर होने लगता है, ठीक है ना। इस किडनी के पास क्या होता है, वो आके इस पार्ट पे या इस पार्ट पे या इस पार्ट पे आके स्टोर होने लगता है। जब स्टोर हो जाएगा पूरी तरह से, स्टोर होने के बाद से वो धीरे धीरे और भी उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और भी स्टोर होगा, धीरे धीरे वो बड़ा होता है और वो एक मांस का एक लोथड़ा बन जाता है, उसी को हम लोग स्टोन के नाम से जानते हैं। उस स्टोन को ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप लोगों का ये टॉपिक भी, रिनल कैलकुली भी खत्म हो गया, और आज का आप लोगों का जो टॉपिक है, अब जाके आपका टोटल जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो पार्ट था ये आज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, मतलब कि ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।